आज हम स्टडी करेंगे डी फार्मेसी का जो चैप्टर हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। उसमें हमारा हमने पिछले जो लेक्चर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर फर्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। जैसे हमने पिछले जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था हेल्थ के बारे में, ठीक है, उसके जो है हाइजीन्स डेफिनेशंस के बारे में, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ के क्या क्या कंसेप्ट है हमें वो पढ़ना है। फर्स्ट इसमें हाइजीन, फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी हाइजीन। हाइजीन क्या है? ड्राइव वर्ड है हाइजिया। हाइजिया का मतलब होता है गुडनेस, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो हमें हाइजिया का मीनिंग है द गुडनेस ऑफ हेल्थ, हु लुक्स आफ्टर द हेल्थ ऑफ पीपल। इसकी हम डेफिनेशन अगर करें तो हाइजिया एक साइंस है, आर्ट है, जो हमारी हेल्थ को क्या है, क्लीन एंड प्रिजर्विंग और इम्प्रूविंग बनाती है। जो हाइजिया है एक साइंस है, ठीक है, जो हमारी साइंस द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ द अर्थ एंड आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में और प्रिजर्व करने में हेल्प करती है। अब जो हाइजीन है, ठीक है, हाइजीन में जो हमारा पर्सनली हम अपनी बॉडी की केयर करते, जैसे स्किन क्लींजिंग द स्किन, स्किन नेल हेयर टीथ एंड अदर बॉडी पार्ट्स। पर्सनल हाइजीन में क्या है, जब हम अपनी बॉडी की जो केयर करते हैं उसमें स्किन नेल हेयर टीथ है, जो अदर हमारे बॉडी पार्ट्स है उनकी बिल्कुल अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, वो हमारी पर्सनल हाइजीन है। इन्वायरमेंटल हाइजीन में क्या है, जैसे हम जो अपना सराउंडिंग्स हैं, जो सराउंडिंग्स है हमारे, ठीक है, उसमें जो भी हमारा गैरेज है, ठीक है, या फिर जो हमारे पास वहाँ पर जो भी वेस्ट मटेरियल पड़ा है उसे प्रॉपरली सेट करना, ठीक है, उसको क्या है रीयूज करना, और अपने जो एरिया है होम है, ठीक है, उसको क्लीन करना। जो हमारे आसपास के एरिया वहाँ पर जैसे पानी नहीं होना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, उसको क्लीन रखना, ठीक है, उसमें जो है गंदगी नहीं होनी चाहिए, जो अपने गेवेज है या सैनिटरी जो है जो सैनिटरी पोर्शंस हैं उसको क्लीन रखना चाहिए, वो है हमारा इन्वायरमेंटल हाइजीन। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन है इसमें हेल्थ। WHO के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ क्या है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, जो पर्सन फिजिकली मेंटली सोशली वेलबींग है, ठीक है, अच्छा पूरी तरह हेल्दी है, उसमें कोई एब्सेंस उसमें कोई भी डिजीज नहीं है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हेल्थ, जो प्रॉपरली फिजिकल मेंटली और सोशली फिट हो पर्सन। अब जो हेल्थ है उसके लिए हमारे 3 कॉम्पोनेंट्स हैं, परफेक्ट ऑप्टिमम
फिजिकली फिट ऑप्टिमम हो गया, ठीक है, मेंटली और पॉजिटिव हेल्थ मतलब जो सोशली फिट है। इसमें एक अदर और पॉइंट आते हैं फाइनेंशियली हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ का मीनिंग क्या है? अब ये तो हम हमारे जो तीनों पॉइंट्स है ये किस पे डिपेंड करते? फाइनेंशियल हेल्थ पे डिपेंड करते। क्यों इस पे क्यों डिपेंड करते? अगर हमारे पास हम फाइनेंशियली फिट है, हमारे पास फाइनेंशियली इनकम है, मनी है, ठीक है, मनी के सोर्सेज है, हमारे पास जो जितनी हमें नीड है उतनी हमारे पास मनी है, तो हमारे क्या है, हम मेंटली भी फिट होंगे, फिजिकली भी और सोशली वेलबींग होंगे। अगर हमारे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो वो पर्सन क्या होते हैं, पुअर होंगे, ठीक है, उनके पास अगर वो खाना नहीं खाएंगे ढंग से, कपड़े नहीं है उनके पास पहनने के लिए, उनके जो माइंड में क्या स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, कहाँ से खाना खाएंगे, सर्दियों में क्या पहनेंगे, गर्मियों में क्या पहनेंगे, ऐसे उनके जो है माइंड पे स्ट्रेस रहता है, वो क्या हो गया, मेंटली अनहेल्दी हो गई, ठीक है। फिजिकली जब उनको प्रॉपर खाने को नहीं मिलेगा, प्रॉपर वो जो डाइट नहीं लेंगे, तो उसमें क्या मॉल न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक है, उसमें विटामिन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है और उनकी केवल भूख के कारण डेथ भी हो सकती है, ठीक है। सोशली उन पर्सन्स के पास जो रहने के लिए घर नहीं होते, ठीक है, सोशल जो भी हमारी सोसाइटीज हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, जिसके कारण उनका और जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। अगर फाइनेंशियली तौर पे हम फाइनेंशियली जो है उसके तौर पे हम फिट हैं, हमारे पास प्रॉपर पैसा है कि हम अपनी जो है लाइफ इजी जो है वो स्पेंड कर सकें, तो ये जो तीनों जो हमारे पॉइंट्स हैं ये फाइनेंशियल हेल्थ पे डिपेंड है। इसलिए जो पर्सन है उसको जो है अपने आप को फिट रखने के लिए उसके पास फाइनेंशियली जो मनी है वो होनी चाहिए, ठीक है। अगर जिनके पास फाइनेंशियली कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सोर्सेज नहीं है, प्रॉपर अपने यूज़ करने के लिए पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, वो क्या है, हमें ये तीनों फैक्टर्स जो है वो अनहेल्दी हो। इसलिए जो फिजिकल, मेंटल और जो हमारा सोशल हेल्थ है वो डिपेंड हो जाता है फाइनेंशियल हेल्थ पे। बिना फाइनेंशियल हेल्थ के हमारी जो लाइफ है आगे ग्रो नहीं कर सकती। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं अपनी हेल्थ को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं, हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि इनके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए और प्रमोट करवाने के लिए। फर्स्ट है बैलेंस्ड डाइट, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए फर्स्ट हमारे पास है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट जिसमें जो अमाउंट है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, प्रोटीन्स की, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, वाटर, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब प्रॉपर अमाउंट में हमारी जो है खाने में होने चाहिए, वो है बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो जो हमारी बॉडी है वो अपने आप ग्रो करेगी, ठीक है। अगर उसको अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं जो वो मिल रहे हैं, जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, बॉडी में डिजीज होने के चांसेस कम होते हैं, जो बॉडी है वो अपने आप प्रॉपरली ग्रो करती है। सेकेंड है सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर, वाटर,
चाहिए, ये नहीं है कि बहुत टाइम का, दो तीन दिनों का हमें वाटर जो है, जहाँ दो तीन मंथ का हम वाटर जो है वो हम पी रहे हैं, क्योंकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने लग जाती है वो वाटर के हमारे यूज़ का नहीं रहता, ड्रिंक नहीं हम कर सकते, पी नहीं सकते उनको। और जो फूड है वो भी हम अगर ज़्यादा टाइम का, ठीक है, एक दिन हम अगर एक दिन के बाद भी यूज़ करेंगे वो भी केवल हमारी बॉडी को ख़राब कर देता है, पॉइजनिंग कर देता है। हमें ज़्यादा दिनों का जो फूड पड़ा होता है, ठीक है, चाहे फ्रूट्स हों या खाने में दाल सब्जी कुछ भी हो, वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा जो भी है फूड और वाटर जो है वो फ्रेशली यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में कोई भी फूड पॉइजनिंग ना हो सके, ठीक है। उसमें कोई भी प्रॉपर जो है वाटर के कारण हेपेटाइटिस या फिर जो जॉइंटिस वगैरह ना हो सके, इसलिए प्रॉपर जो एयर वाटर फूड है वो हमें फ्रेश ही यूज़ करने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर हेल्थफुल शेल्टर। जो हमारे पास रहने के लिए जो शेल्टर्स जो घर होने चाहिए वो प्रॉपरली हमारे जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि हम जैसे गर्मियों में हमारा जो है ज़्यादा धूप पड़ रही है वहाँ पर, ठीक है, जो है, और सर्दियों में ज़्यादा ठंड लग रही है। इस हिसाब से होना चाहिए कि हमें जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी अनकम्फर्टेबल फील ना हो। एडिक्वेट क्लोथिंग, जो प्रॉपर इन्वायरमेंट मौसम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्लोथिंग होनी चाहिए, जैसे हम सर्दियों में वूलन के कपड़े पहनते वो हो गए, गर्मियों में हम लोग कॉटन्स के कपड़े पहनते वो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है, जिससे हमारे जो है बॉडी को उसकी जो वेदर के अकॉर्डिंग है जो रिक्वायरमेंट्स है वो मिल सके। क्योंकि अगर हम गर्मियों में भी वूलन के कपड़े पहनेंगे या सर्दियों में भी कॉटन के पहनेंगे तो उससे हम जल्दी बीमार हो सकते हैं और हमारे जो है बॉडी को डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा हाइजीनिक एनवायरमेंटल सैनिटेशन। जो हाइजीनिक एनवायरमेंटल सैनिटेशन है, जैसे जो हमारे टॉयलेट्स है या यूरिन है, ठीक है, उसका जो है वो हमें ओपन एरिया में नहीं करने चाहिए। उसके लिए जो प्रॉपरली हमारे सैनिटेशन है वो क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट्स को ख़राब कर देते हैं। अगर किसी पर्सन को डिजीज़ है तो उसके जो बैक्टीरिया है वो एयर में चले जाएंगे, वायरसेस, ठीक है, एयर में जाकर वो किसी भी और पर्सन को डिजीज़ क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रॉपरली इन चीज़ों के ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी वॉशरूम टॉयलेट्स यूज़ करते हैं उनका प्रॉपरली हमें क्लीन करने चाहिए उनको, ठीक है, उनको प्रॉपरली वॉश करना चाहिए डेली। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। हमें जैसे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल की डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तो उससे कि जो है जो अगर हमें इनके बारे में पता होगा तो हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं दूसरे पर्सन से। जैसे कोरोना है, कोरोना के बारे में सब जो है वर्ड्स को दुनिया को पता है, ठीक है, उसके लिए क्या है, हम वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इजीली हो जाती है। इसलिए जो है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है हमें अगर उसके बारे में प्रॉपर पता होगा तो हम अपना जो है बचाव खुद कर सकते हैं, ताकि हमें जो वो डिजीज़ ना हो सके। उसके बाद है हमें अपनी जो एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी है, रेस्ट है, एक्सरसाइज, वो डेली रूटीन में करनी चाहिए। जो हमारी बॉडी है वो एक लाइक मशीन की तरह है, ठीक है, अगर हम जैसे मशीन में ऑयल डाल देते हैं तो वो काम करती रहती है, ऐसे अगर हम रेस्ट करेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, वर्किंग करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे तो हमारी बॉडी क्या है प्रॉपर काम करती रहेगी। अगर हम उसमें जो प्रॉपर काम कुछ नहीं करेंगे ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ तो वो क्या ओबेसिटी बढ़ जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है,
जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है, खजलती खाना नहीं पकता, डाइजेस्ट नहीं होता, उससे क्या और ज़्यादा डिजीजेज हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी को जाम होने लग जाती है, जैसे मशीन में जाम हो जाती है ना ऐसे, तो उससे हमें क्या है डिजीज होने लग जाती है बॉडी में और हमारी बॉडी क्या अनहेल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा गुड एंड सिंपल हेल्थ लाइफ स्टाइल, ठीक है, जो हमारा रहने का तरीका वो सिंपल होना चाहिए, अच्छी हमारी जो है हमें गुड हैबिट्स डालनी चाहिए ताकि हम अपनी जो है बॉडी को क्लीन और साफ और डिजीज फ्री रख सकें। इसके बाद जी ये जो फैक्टर्स हैं ऑल जो दीज फैक्टर्स, ये क्या करते हैं हमारा मेंटेन क्या करने में रखते हैं, नॉर्मल बैलेंस बॉडी, जो नॉर्मल बैलेंस ऑफ बॉडी है उसको मेंटेन करते हैं। इन सब फैक्टर्स का मेन एम क्या है, एम ऑफ दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स का एम क्या है, एम ऑफ दीज फैक्टर्स नॉर्मल मेंटेन बॉडी बैलेंस, नॉर्मल मेंटेन बॉडी बैलेंस हो गया, एंड मस्ट फॉर पॉजिटिव हेल्थ, और जो हमारी हेल्थ है उसे पॉजिटिव रखना। इन जो फैक्टर्स का मेन एम क्या, अगर हम ये फैक्टर्स अपनी बॉडी में लाएंगे फॉलो करेंगे उससे हमारी बॉडी क्या नॉर्मली बैलेंस रहेगी, कोई डिजीज नहीं होगी और पॉजिटिव फैक्टर हमारी बॉडी पे आएगा जिससे क्या है हम बिल्कुल अपना जो है डिजीज फ्री और एक्टिवली हम हर एक काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। अब जो हमारी हाइजीन है, पब्लिक हेल्थ है, उसको हमने प्रिवेंट और सोशल मेडिसिन है उसको हमने कैसे अपनी बॉडी को उस चीज़ से कैसे हमने इम्प्रूव करना है, उससे कैसे हमने अपनी बॉडी को इम्प्रूव करना है वो हम स्टडी करेंगे। जैसे आजकल क्या नाउ डेज वाटर एयर, ठीक है, फूड, जो अपने सराउंडिंग्स है वो सारे पोल्यूटेड हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि व्हीकल्स का जो पोल्यूशन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है, जो हमारा कूड़ा करकट ऐसे ही पड़ा रहता है, जो जिसके कारण जो हमारी सारी फूड वाटर जो आसपास का एरिया है वो सारा पोल्यूटेड रहता है, ठीक है, कंटेमिनेटेड रहता है, उससे क्या होता है डिजीज़ ज़्यादा फैलती है। अगर हमारे आसपास गंदगी होगी, क्लीन नहीं होगा, फ्रेश एयर, फ्रेश फूड, फ्रेश वाटर नहीं होंगे, तो उससे क्या होता है हमारी जो है बॉडी को ज़्यादा जल्दी डिजीज़ हो जाती है और वो इफेक्टेड हो जाती है। हमें अपनी डिजीज़ अपनी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए फर्स्टली हमें जो सोशल है, ठीक है, सोशल मतलब अपना आसपास जो भी सोसाइटीज़ हैं उनको क्लीन करना चाहिए, वो भी एक एज अ मेडिसिन हमारे जो बॉडी पे काम करती है। जैसे अगर हमारा फ्रेश वाटर है, फ्रेश फूड है, फ्रेश एयर है हमारी बॉडी में जाएगा तो उससे क्या होता है हमारे बहुत सारे जो डिजीज़ हैं वो ख़त्म होने लग जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल है, इसके बाद सारे कहते हैं कि सुबह डॉक्टर बोलते हैं कि सुबह आप मॉर्निंग वॉक पे जाओ, क्यों सुबह का टाइम देते हैं वो दोपहर को क्यों नहीं कहते, या फिर वो ये क्यों नहीं कहते कि आप 6 बजे जाओ, 7 बजे जाओ, क्योंकि सुबह उनको बोलने का मीनिंग ये होता है, उनका एम सुबह सुबह जो है पोल्यूशन नहीं होता,
ठीक है, ये जो व्हीकल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट्स हैं जो वो नहीं चलते, ठीक है, फ्रेश एयर होती है सुबह जो है, उसके कारण जो हमारे जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी को मिलती है, फ्रेश एयर जाती है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारी जो डिजीज है वो जल्दी सही होने लग जाती है। इसलिए जो सोशल मेडिसिन है, अगर हम अपने सराउंडिंग्स अपने साइड अपने पास का जो एरिया है वो साफ रखेंगे, फ्रेश वाटर और एयर हम यूज़ करेंगे, तो हमारी जो हेल्थ है वो अपने प्रिवेंट होगी। उसमें जैसे आजकल जो इम्यूनिटी है, ठीक है, इम्यूनिटी हमारी कम क्यों हो रही है, क्योंकि हमें जो प्रॉपरली है वो फूड नहीं मिल रहे फ्रेश, ठीक है, जो आजकल जो फूड्स आते हैं, जो सब्जीज आती हैं, वेजिटेबल्स, वो क्या होते हैं, उनमें जल्दी ग्रो करवाने के लिए वो क्या करते हैं, इंजेक्शन्स लगाते हैं कि जल्दी जो है वेजिटेबल वो उसका साइज इंक्रीज हो, वो बन जाए, ठीक है, तो उससे हम सेल कर सकें, ठीक है। उससे क्या होता है, जो वो जो वेजिटेबल्स होती हैं वो हमारी बॉडी में क्या गलत इफेक्ट डालती हैं, ठीक है, जो फूड्स होते हैं वो गलत इफेक्ट डालते हैं, वो प्रॉपर अपना जो है वो फाइबर्स हैं जो प्रॉपर अपना एक्शन जो है विटामिन्स वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए जो हमारी इम्यूनिटी से वो वीक हो रही है, कम हो रही है। इसलिए कम इम्यूनिटी होने के कारण जो है हमें जल्दी डिजीज हो जाती है, हम जल्दी किसी न किसी बैक्टीरिया और वायरल की इन्फेक्शन में आ जाते हैं। अब इन्फेक्शन इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे, किसके कारण, पोल्यूशन के कारण, ठीक है, अगर जितना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इन्फेक्शन होगी, कंटेमिनेशन होगी उतनी ज़्यादा, और इन्वायरमेंटल जो है वो प्रॉब्लम्स होंगी। अब जैसे हमें एक बहुत पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक बहुत ज्यादा पुराना प्रोवर्ब है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योर से ज्यादा हमें अपनी जो प्रिवेंशन से ज्यादा क्योर से ज्यादा हमें क्यों प्रिवेंशन नहीं चाहिए, मतलब परहेज रखना चाहिए। अगर हमें डॉक्टर ने बोला है आपको खांसी है कि आपने ऑयली चीजें नहीं खानी, फास्ट फूड नहीं खाना, कोई ये नमकीन वगैरह कुछ नहीं खाना, बट हम क्या उसे खा रहे हैं, तो उससे ज्यादा हमारी बॉडी में इन्फेक्शन फैलेगी। अगर हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो हमें क्या अपने आप जो हमारी बॉडी है उसमें जो है इन्फेक्शन कम हो जाएगी और हमें मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसलिए जो है हमें अपना परहेज रखना चाहिए, ठीक है, परहेज से ज़्यादा और कुछ नहीं है। जो भी हमारी मेडिसिन, अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है उसे डॉक्टर बोलते कि आपने शुगर यूज़ नहीं करनी, ठीक है, बट फिर भी वो क्या आपने टेस्ट के लिए, ठीक है, वो शुगर मिठाई वगैरह सारा कुछ खा रहा है, तो उससे लॉस किसका है, पेशेंट का है, ठीक है। अगर वो प्रिवेंशन लेता पेशेंट, शुगर को कंट्रोल करने के लिए वो खाना बंद कर देता या शुगर कम लेता, ठीक है, मीठी चीज़ें कम यूज़ करते तो उसकी शुगर ही ना बढ़ती, ठीक है, तो वो क्या होता, हमें प्रिवेंशन रखनी चाहिए अपनी बॉडी को सही कंट्रोल में लाने के लिए, उसको डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए। इसमें क्या है, मैन इज अ सोशल बींग है, हम जैसे सोशल बींग है, हमें डेली क्या नेबर से मिलना होता है, फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं हम लोग, अपनी कलीग्स के साथ मिलते हैं, बहुत सारे पर्सन के टच में आते हैं। अब अगर उनमें से किसी भी पर्सन को कोई डिजीज होगी तो हम भी उसके टच में आएंगे, तो हमें भी वो डिजीज हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, हमें अपने आप जो है अपने आप को ठीक करने के लिए, उस जो पर्सन से अपना कंटेमिनेशन कम करने के लिए हमें क्या करना है, उनको दूर रहना, उनसे थोड़ा अपनी जो एक्टिविटीज़ है फिजिकल एक्टिविटी उनको इंक्रीज करना है, अपनी जो हेल्थ है उसे इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, और जो हमारे एक्सरसाइजेज है, ठीक है, रेस्ट है, वो हमें डेली अपनी एक्टिविटीज़ में जो है अपनी लाइफ में इंक्लूड करने चाहिए। अब जो पोल्यूटेड है, ठीक है, जो पोल्यूटेड जो हमारा एरिया है, जैसे हमारे जो पैट्स भी होते हैं वो भी कई बार बहुत ज़्यादा डर्टी होते हैं, जिससे हमें जल्दी इन्फेक्शन हो जाती है।
नेक्स्ट है हमारी जो बेसिक जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है, अपनी नेसेसिटी क्या है, मेन हमें क्या लाइफ में चाहिए, एयर वाटर एंड फूड, ये सोर्सेस क्या है डिजीज फैलाने के लिए, एयर वाटर एंड फूड ये मेन रिक्वायरमेंट है हमें अपनी जो लाइफ में चाहिए। अगर यही तीन चीजें हमारी जो पोल्यूटेड होगी तो इससे हमें क्या होगा डिजीज हो जाएगी। अगर मेन एयर वाटर एंड जो हमारी फूड है वो पोल्यूटेड हमें मिलेंगे तो उससे क्या होती है हमारी बॉडी में डिजीज हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, पोल्यूटेड जैसे अब जो पराली वगैरह तो आग लगा देते हैं, ठीक है, जो है फार्मर्स, उससे क्या होता है सांस की, जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, पर्सन्स को हार्ट अटैक हो सकता है, खांसी होती है, ठीक है, इन्फेक्शंस हो जाती है बॉडी में, वो उससे क्या होता है जो हमारे एयर है वो पोल्यूटेड हो जाती है। ठीक है, पोल्यूटेड होने के कारण जो है आगे पेशेंट्स हैं जो, ठीक है, ओल्ड पर्सन्स हैं या छोटे बच्चे हैं जो, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है डेली लाइफ में। उसके बाद है प्रिवेंटिव मेडिसिन डज नॉट ओनली इंक्लूड वैक्सीन। जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है उसमें जरूरी नहीं है कि हम जो वैक्सीन है सीरा है वो ही है, ठीक है, इंक्लूड करेंगे, बट इनका रोल इसके अलावा क्या और भी पर चीज़ें हैं जिनका रोल है, सिर्फ जो हमने वैक्सीन होगी या सीरा इंजेक्शंस टैबलेट ये सिर्फ ये ही नहीं प्रिवेंट करती हमें डिजीज से। डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए बैलेंस डाइट, उसके लिए हमारे बॉडी में विटामिन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मिनरल्स हो गए, ये चीजें भी हमारी बॉडी में जरूरी है, विटामिन इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स लिपिड्स, इन चीज़ों का भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल है जिस जो हमें डिजीज से प्रिवेंट करवाते हैं, डिजीज से हमारे जो है प्रिवेंशन करती हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी है, ठीक है, स्कर्वी है, या हमारी बॉडी में आई साइट हमारी वीक है, कई बार जब भी हमारे जो आईज के ऑपरेशन होते हैं तो हमें डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि आप जूस लो, गाजर का जूस लो, चुकंदर का जूस लो, ठीक है, क्यों बोलते हैं क्योंकि मेडिसिन में उतना विटामिन ए अवेलेबल नहीं होता जितना हमारे नेचुरल जो फूड्स हैं वेजिटेबल्स हैं उनमें होता है, गाजर चुकंदर में, इनमें क्या होता है हमारे विटामिन ए की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें जूस के लिए प्रेफर किया जाता है जिससे हमारी आई सेट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। ऐसे हमें अगर स्कर्वी है तो हमें क्या डॉक्टर रिकमेंड करेंगे कि आप विटामिन सी लो, जैसे नींबू लेमन मिर्च होगी ग्रीन चिली, ठीक है, ऑरेंज हो गए, जो हमारे सिट्रस फूड्स हैं जो खट्टे फूड्स होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं वो हमें लेने को बोलते हैं ताकि हमारे जो विटामिन सी है वो क्या करता है हमारी इम्यूनिटी लेवल को इंक्रीज करता है, इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है, ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए हमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप विटामिन सी का यूज़ करो। जैसे कई बार कोल्ड होता है तो हम अगर विटामिन सी लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है हमें थोड़ा अच्छा फील होता है। अब जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस में क्या है जब हम लोग काढ़ा वगैरह बनाते हैं, ठीक है, पीने के लिए, तो उसमें क्या करते तुलसी जो है लेमन वगैरह हम यूज़ करते हैं, वो विटामिन सी हम उसमें क्यों यूज़ करते हैं ताकि हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है, उससे जो डिजीज़ है माइक्रो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो है वो